गुजरात लैंडफॉल करिब विपर्जय बात्यार रूप नेला विपर्जय एवं सागर रे अति भीषण बात्यार रूप नेछि 15 तारीख रे गुजरात रे स्थलभाग छुई पारे पोरबंदर 480 किलोमीटर दूर रे अछि बात्या से पर द्वारका 530 किलोमीटर दूर रे बात्या अछि गत 6 घंटा धरी 9 किलोमीटर बेग रे हा गति करूछि उपकूल छुईबा बेलकु पवन बेग घंटा प्रति 125 रु 135 किलोमीटर रहिबो समय समय रे यार बेग 150 किलोमीटर होई पारे बोली पाणीपाग केन्द्र पक्षरु कहा जाइछि स्वराष्ट्र एवं कच्छ रे अलर्ट जारी करा जाइथिबा बेले समुद्र रु फेरी आसीबा को मत्स्यजीवी को कहा जाइछि एहा छोडा बात्या जको प्रबल वर्षा हेबार संभावना थिबारु सतर्कता मूलक पदक्षेप भाबरे केरल रा 8टी जिल्ला रे येलो वार्निंग एवं मुंबई रायगढ़ रत्नगिरी समेत महाराष्ट्र रो उपकूलवर्ती अंचल रे भी सतर्क सूचना जारी करा जाइछि गुजरात रे लैंडफॉल करियो बोली कहा जाउछि किंतु उपकूल अंचल प्रति विशेष भाबरे अलर्ट रखा जाइछि अति भीषण बात्यार रूप नै सारिछि विपर्जय आरब सागर अति भीषण बात्यार रूप नहीं सारी 15 तारीख में गुजरात में स्थलभाग छुईवा नहीं कि आकलन रही अधिक आलोचना करने पाणीपाग विशेषज्ञ विश्वजीत साहू अच्छे फोन लाइन में विश्वजीत बाबू आपन जानवाक चाहिए टी विपर्जय स्थिति नहीं कि कहतु और कौन केमती यार लैंडफॉल प्रक्रिया के आरंभ हे यार से समय बेग केमती रही से नहीं जानवाक चाहिए जदि आम आज सकाल अब्जर्वेशन देखा सेटा काली राति पाखापाखि आम से 12टा किंवा 3टा पर पर सेटा गोटे एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म रूप नहीं सारी जहां वर्तमान प्राक आकलन रही उत्तर उत्तर पूर्व दिगरे गति करी आमर 15 तारीख सकाल किंवा अपराह्न रे आमर गुजरात किंवा पाकिस्तान कोस्ट रे लैंडफॉल करिवार जथेष्ट संभावना रहिछि आज सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म किंवा वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म एवं एही समय रे तार केन्द्रस्थल रे प्रोबेबली 100 रु 120 किलोमीटर बेगरे पवन रो बेग रही पारे जेतेबेले से लैंडफॉल करूची एवं वर्तमान सुधा कोनसे गोटे सठिक सूचना दिया जाए कि सेटा पर्टिकुलर क्यों लोकेशन रे लैंडफॉल करिवो किंतु जथेष्ट संभावना रहिछि या पाकिस्तान एवं यार तत्संलग्न आमर गुजरात कोस्ट को मुहाइबो निहाती एवं सेथि पई ही अलर्ट करा जाइछि उपकूलवर्ती अंचल को निश्चित रूपे आमर जेहेतु गुजरात कोस्ट रे लैंडफॉल करिवार गोटे प्रोबेबिलिटी रहुछि आम कह परबा 50-50% आमर प्रोबेबिलिटी रहुछि तेणु आमर आईएमडी तरफ रु गुजरात कोस्ट एवं पाकिस्तान कोस्ट रे अलर्ट सिचुएशन जारी करा जायछि एवं परवर्ती समय आमको जाना पड़े कारण आज पाखापाखि 11 तारीख अच्छी आम पाखे आहुरी 3-4 दिन लेट टाइम अच्छे तेज से पर्टिकुलर क्यों लोकेशन रे लैंडफॉल करिवो आमको आहुरी 3-4 दिन टिके गोटे रु 2 दिन अपेक्षा करिवो पड़े पर्टिकुलर लोकेशन लैंडफॉल रो टिके जानिबो कारण ए सिस्टम रो बहुत पिकुलर हमर कैरेक्टरिस्टिक से रही छि जोडा लैंडफॉल हो किमा ता डायरेक्शन हो ता मूवमेंट वर्तमान सुधा को डायरेक्शन रे गत काली देखौतला या मे बी पाकिस्तान कराची रे लैंडफॉल करि पारे तार 2 दिन पूर्व देखौतला ओमान अभिमुखे जाई पारे किंतु आज रे आज से फोरकास्ट रे टिके परिवर्तन लक्ष्य करा जाई छि एवं जोडा कि हमर ऑब्जर्वेशन रही छि सेटा ट्रैक आकलन हिसाब रे सेटा प्रोबेबली हमर गुजरात किंबा हमर पाकिस्तान कोस्ट रे लैंडफॉल करि पारे 15 तारिख बेलु से हिसाब से आईएनबी तरफ टू गोटे अलर्ट जारी करा जाय छि हमर गुजरात एवं पाकिस्तान पाकिस्तान कोस्ट पे अच्छा सेही समय पर्यंत लैंडफॉल करिबा पर्यंत समुद्र रे यार गतिविधि कोन केमिति रहू छि समुद्र रे वर्तमान सर केन्द्रस्थल रे 180 रु 190 किलोमीटर प्रति घंटा पवन प्रवाहित हो छि ता केन्द्रस्थल रे किंतु आशा रही छि कि आगामी 12 रु 24 घंटा भीतर वीक हे जाय पारे टिके टिके तर दुर्बलता आसी पारे कारण वर्टिकल विंड शियर टिके हाई रही छि सेंटर से हमर साइक्लोन रो सेंटर रे एवं आमे जदि अन्य पैरामीटर गुडा कहिबा को जिबा जेमति हमर तर आउटफ्लो मध्ये टिके वीक जणा पडछि गतकाली गत राति अपेक्षा तो प्रोबेबिलिटी रही छि कि आगामी 12 रु 24 घंटा भीतर सेटा वीक हे पारे एवं आगामी आमे कहि परबा गोटे गोटे रु 2 दिन पर्यंत से नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन रे मूवमेंट करिवो एवं परवर्ती समय रे से 13 तारीख किमा 14 तारीख बेलु रिकर्स करेबो टुवर्ड्स गुजरात किमा पाकिस्तान कोस्ट निहाति एवं वर्षा नै कि केउ केउ अंचल को वर्तमान अलर्ट करा जाउ छि केवल गुजरात ना से पाखा पाखी उपकूलवर्ती आपनकर महाराष्ट्र एवं केरल रो अंचल गुडी को भी नै महाराष्ट्र एवं केरल कोस्ट रे त हमर मॉनसून जोगु रेनफॉल एक्टिविटी जारी रही छि तबे आमे जदि कहिबा गय त लैंडफॉल लोकेशन उपर डिपेंड करछि कारण केतेक मॉडल देखौ छन जे लैंडफॉल कला पर सीधा हमर सेंट्रल इंडिया देख मूवमेंट करौ छी पाखा पाखी हमर से मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश देख मूवमेंट करौ छी तबे तबे तर इंटेंसिटी केतलु केमति कोन रहिबो सेटा डिपेंड करौ छी रेनफॉल एक्टिविटी केमति हमर रहिबो से पॉकेट रे सेंट्रल सेंट्रल इंडिया हो किबा हमर सेंट्रल इंडिया रे जो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश एवं गुजरात कोस्ट केमति तर रेनफॉल रहिबो एक्टिविटी ता डिपेंड करिवो हमर सिस्टम केते इंटेंसिफिकेशन रे लैंडफॉल करौ जदि सेटा आज ए वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म लो एंड जदि लैंडफॉल करिवार संभावना जोडा रहू छ हमर
सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म ना गोटे लो एंड भेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रे लैंडफॉल करिवारे तो जदि सेमती हुए तबे मे बी आम गुजरात कोस्ट रे गोटे भेरी टू भेरी हेवी रेनफॉल आम देखा मिल पारे गुजरात कोस्ट रे एवं परवर्ती समय रे आम मे बी उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश रे वर्षा कराई पारे ए सिस्टम जहां वर्तमान प्राकाकलन रही। अच्छा जेते बळे लैंडफॉल करिवो बाबू कोन कहा जाउ छी कि सही समय रे वर्तमान दा समिति किछि निर्दिष्ट हा पर देखौ छी कि तथ्य कि रिपोर्ट रे शो करू छी कि आपनकर पवन रो वेग केते मैक्सिमम स्पीड पर्यंत होई पारे। वर्तमान जहाँ अच्छी एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रही है आगामी 24 घंटा भितर से वीक हो जाए पारे टिके वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म पर्यंत आसीबो एवं परवर्ती समय रे आउरी 3-4 दिन अच्छी ता समुद्र भितर आउरी वीक हो पारे जोटा के वर्तमान प्राकाकलन रही छी गोटे सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म किंबा गोटे लो एंड भेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म माने आमे कहि परियो 100-120 किलोमीटर वेगर पवन सही इंटेंसिटी रे आमर क्रॉस करि पारे नियर टू गुजरात कोस्ट गुजरात किंबा पाकिस्तान कोस्ट कु क्रॉस करि पारे ए इंटेंसिटी रे। अच्छा समुद्र रे जदी हलचल वर्तमान ठु ही अनुभूत हेलानी एवं सेठार जेमिति स्पीड आपण कहुतिले सेठार जदी तार परिसीमा भितरे तार काया विस्तार करूची धीरे धीरे स्पीड रे मध्य गति करूची वर्तमान 9 किलोमीटर बेगर गति करूची गत 6 घंटा धरी ताहाले अलर्ट रे त रखा जाइथिबो जो माने लोकल पीपल अछंती जो माने मत्स्यजीवी माने अछंती जो माने भितर को जाइछंती। हाँ निश्चिंत रूपए मत्स्यजीवी मानू जल्दी बहुत जल्दी आम कोस्ट को आसा दरकार कारण गोटे आज भेरी एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म परिणत होती है तार पाखापाखि आम कही पार 300-400 किलोमीटर रेडियस भितर गोटे गोष्ठी विंड पाखापाखि 50 रु नहीं कि 190 किलोमीटर भितर तार विंड रेडियस रही जोटा तो जोटा कि भेरी डेंजरियस और वल्नरेबल सिचुएशन क्रिएट कर पाए आम सी सरफेस रे तेणु मत्स्यजीवी मैंने जो मैंने जाती आम से एरिया फिश कैचिंग से जल्दी आसी जावा दरकार आम कोस्टल एरिया को कारण तार इंटेंसिटी एवं विंड केवल विंड तार इंपैक्ट करिवनी से सरफेस रे तार आम जो कहते उच्च जुआर मध्य वर्तमान जो आकलन रही से सेंटर रे चारिआड़े आम पाखापाखि 5-7 मीटर उच्च जुआर फ्लो करूची तेबे सेथिपाई आमको मत्स्यजीवी मैंने जल्दी जल्दी रु जल्दी पोस्ट को आसवा निहाते दरकार। निहाती धन्यवाद विश्वजीत बाबू आम सहित आलोचना भाग नहीं थी वर्तमान नजर रही से विपर्यर स्थिति उपरे एवं जोपर भाव में धीरे धीरे समय पाखी एवं से समय आउ टे निकटतर है ही जमापड़ निर्दिष्ट भाव में क्यों स्थान लैंडफल कर किंतु गुजरात और पाकिस्तान उपकूलवर्ती से मझी स्थान में ही लैंडफल कर आकलन रही हिसाब से अलर्ट रखा जा गुजरात सौराष्ट्र और कच्छ को।